सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं फिर से आपको एक डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं। तो कल मैंने जो है वो वीडियो अपलोड नहीं करी थी, क्योंकि कल जो मेरी तबीयत थी वो मुझे ठीक नहीं लग रही थी। मैं आया हुआ था रिकॉर्डिंग करने के लिए, लेकिन मैं फिर वापस चला गया। मुझे पता है आप लोगों ने मुझे मिस किया होगा। क्या मतलब नहीं किया, मेरा दिल टूट गया। लेकिन क्यों? अरे मजाक कर रहा था। और आज मैंने कई दिनों से नोटिस किया कि वेंडिगो वर्सेस वेयरवुल्फ की स्टोरी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कमेंट आ रहे थे, तो आज मैं वही कहानी जो है वो आपको सुनाने वाला हूँ। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो मैंने नया चैनल बनाया है उसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट भी जो है वो मैंने पिन कर दिया है। तो जो मेरा सेकंड चैनल है उसे भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। उस पर जो है वो 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, और 500 सब्सक्राइबर जैसे ही उस पर हो जाएंगे उस चैनल पर, मैं उस पर वीडियोज़ डालना शुरू कर दूँगा। तो ज़रूर से उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल को नहीं किया है तो इस चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, कहानी जो है वो शुरू हो रही है। गर्मी की छुट्टियां शुरू होने ही वाली थी, और जेम्स और विलियम्स आपस में इसी बारे में बात कर रहे थे। वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे, वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे। बचपन से ही वो साथ में एक साथ खेला करते थे। एक दिन क्लास में जेम्स ने विलियम्स से पूछा, विलियम्स, हमारी स्कूल की छुट्टियां जो है वो शुरू होने वाली हैं, हम इस समर वेकेशन में क्या इंटरेस्टिंग करें? और फिर विलियम्स ने कहा, जेम्स, मुझे भी कुछ खास समझ नहीं आ रहा, लेकिन हमारी जो समर वेकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम उसे ऐसे तो वेस्ट नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहिए। तभी जेम्स के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने विलियम से कहा, विलियम्स, क्यों ना हम दोनों वो जो शहर का सबसे डरावना जंगल है वहाँ पर जाएं। जैसे ही ये बात विलियम्स ने सुनी वो काफ़ी ज़्यादा डर गया और उसने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे क्या उस जंगल के बारे में पता नहीं है? वहाँ पर कई सारे लोग गायब हो चुके हैं, और वो कहाँ गए कोई आज तक पता नहीं लगा पाया है, और हम तो बहुत छोटे हैं। अगर वहाँ पर जाकर हमें कुछ हो गया तो हमारे मम्मी पापा कभी भी अलाउ नहीं करेंगे हमें वहाँ जाने के लिए। और फिर जेम्स ने कहा, अरे हमारे मम्मी पापा को पता चलेगा तभी तो हम बिना बताए ही चलते हैं, हमारे मम्मी पापा को कुछ भी पता नहीं चलेगा। और समर वेकेशन में इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या किया जा सकता है? सो जब हम वहाँ पर रात के वक्त घूम कर आएंगे, और छुट्टियों के बाद जब हम ये बात क्लास में बताएंगे, तो सारी क्लास वाले हमसे कितना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे, हम तो पूरे स्कूल में फेमस हो जाएंगे। और फिर विलियम्स ने कहा, अरे यार तू ठीक तो कह रहा है, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा, वो जंगल बहुत ही ज़्यादा डरावना है। एक बार मैं अपने पापा के साथ वहाँ से कार में गुजर रहा था, और वो जंगल देखते ही मेरी तो रूह कांप गई थी, मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी। और फिर जेम्स ने कहा, अरे तू डरपोकों की तरह बात क्यों करता है? तू इस बारे में सोच ही मत, वो जंगल ही तो है, और हम इतने भी छोटे नहीं हैं, हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं, हमें कुछ भी नहीं होगा। अगर हम वहाँ पर चले जाएंगे और घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद जब हम स्कूल में वापस आकर सबको बताएंगे तो हमारा कितना बड़ा नाम हो जाएगा, और मैरी तो उससे दोस्ती भी कर लेगी। सोच, जब उसे पता चलेगा कि तू शहर के सबसे खतरनाक जंगल में घूम कर आया है, तब वो कितनी ज़्यादा इम्प्रेस होगी।
और फिर विलियम्स ने कहा, हाँ यार, बात तो तू सही कह रहा है। खतरा तो है, लेकिन मजा बहुत आएगा। मैरी मुझसे दोस्ती कर लेगी। जेम्स ने हंसते हुए कहा, देख अभी से तेरे दिल में लड्डू फूट रहे हैं, और जब सच में मैरी तुझसे दोस्ती कर लेगी तब कितना अच्छा होगा। विलियम्स ने कहा, हाँ तो फिर ठीक है, मैं रेडी हूं, चलते हैं। लेकिन हम दोनों घर से कहकर क्या निकलेंगे? और फिर जेम्स ने कहा, अरे सिंपल है, तू कह दियो कि तू मेरे घर पढ़ाई करने के लिए आ रहा है, और मैं अपने मम्मी पापा से कह दूंगा कि मैं तेरे घर पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूं, और सुबह तक हम दोनों अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। और मेरे बर्थडे पर मेरे पापा ने मुझे कैमरा भी गिफ्ट किया था, हम वहां पर जाकर वीडियोस भी शूट कर सकते हैं, ताकि हमारे पास प्रूफ हो जाए कि हम उस खतरनाक जंगल में गए थे। और फिर विलियम्स ने कहा, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन अगर हमारे मम्मी पापा को पता चल गया तो? और फिर जेम्स ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा, अगर इतना ज़्यादा डरेंगे तो कैसे काम चलेगा? वो तूने ऐड नहीं देखी, डर के आगे जीत है। और तू इन सब बारे में मत सोच, जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा वैसा कर। मैरी तुझसे दोस्ती कर लेगी, तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाओगी, और तुम दोनों साथ में घूमोगे। सोच विलियम, सोच। विलियम्स के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, और उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जेम्स, तू बिल्कुल सही कह रहा है, मैरी और मैं साथ में घूमते हुए कितने अच्छे लगेंगे। मजा आ जाएगा। चल अब बता कब चलना है। और फिर जेम्स ने कहा, मेरे हिसाब से छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं 1 तारीख से, और शुरुआत के दिनों में तो हम पार्क में जाके झूला झूलेंगे, तो हमारा 1 हफ्ता उसी में बीत जाएगा। तो एक काम करते हैं, 8 तारीख को चलते हैं। और फिर विलियम्स ने कहा, ठीक है, 8 तारीख को चलेंगे। धीरे धीरे दिन बीते और छुट्टियां शुरू हो गई। छुट्टियां जो है वो शुरू हो गई, और उसके बाद रोज जेम्स और विलियम्स पार्क में आके खेलते थे। पार्क में लगे झूलों पर झूलकर वो काफी इंजॉय करते थे, और साथ ही साथ बात करते रहते थे कि वो आने वाली 8 तारीख को जंगल में क्या क्या करेंगे। तभी एक दिन विलियम्स पार्क में खेल रहा था और जेम्स का इंतजार कर रहा था। तभी वहां पर पार्क में मैरी आ गई, और मैरी को देखते ही विलियम्स के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैरी विलियम्स के पास आई, और उसने विलियम्स से पूछा, कैसे हो विलियम्स, आज तुम अकेले खेल रहे हो, तुम्हारे साथ कोई खेलने वाला नहीं है? और फिर विलियम्स ने जवाब दिया, हाँ आज मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं है, जेम्स पता नहीं क्यों नहीं आया, शायद वो थोड़ा लेट आएगा। और फिर मैरी ने कहा, चलो हम साथ में खेलते हैं तब तक, और जब जेम्स आएगा तब हम उसे भी खिला लेंगे। और फिर विलियम्स ने कहा, क्या सच में तुम मेरे साथ खेलोगी? और फिर मैरी ने कहा, हाँ क्यों, तुम्हें नहीं खेलना क्या? विलियम्स ने जवाब दिया, अरे नहीं, मुझे तो खेलना है, लेकिन हम खेलेंगे क्या? मैरी ने जवाब दिया, हम घर घर खेलते हैं, मैं मम्मी बनूंगी और तुम पापा बनना। और ये बात सुनते ही विलियम्स के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, और विलियम्स ने कहा, क्या सच में? हाँ ठीक है, चलो खेलते हैं। विलियम्स मन ही मन खुश हो रहा था, और मन ही मन कह रहा था, क्या बात है, मेरी मम्मी बनेगी और मैं पापा। वो दोनों साथ में खेल ही रहे थे,
तभी विलियम्स ने सोचा क्यों ना मैरी को उस बारे में बता दिया जाए कि जेम्स और वो शहर के सबसे खतरनाक जंगल में जा रहे हैं। विलियम्स ने मैरी से कहा, मैरी सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। और फिर मैरी ने कहा, हाँ हाँ बोलो। विलियम्स ने बताया, अरे तुम्हें पता है हमारी गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, तो जेम्स और मैंने आने वाली 8 तारीख को ना तभी मैरी ने देखा विलियम्स के पीछे जेम्स खड़ा था और उसने विलियम्स को काफी जोरदार मुक्का मारा था। मैरी ने जेम्स से पूछा, क्या हो गया, तुमने इसको घूसा क्यों मारा? और फिर जेम्स ने हंसते हुए कहा, अरे वो कुछ नहीं, वो मैंने और इसने वो वाली गेम ज्वाइन कर रखी है, अरे वो जिसमें खड़े होते हैं तो बोलना पड़ता है कुछ, वरना घूसे पड़ते हैं। और फिर मैरी ने कहा, तुम लड़के कितनी अजीब अजीब गेम खेलते हो, तुम्हें तो गेम खेलना भी नहीं आता, आओ मेरे साथ घर घर खेलते हैं, तुम विलियम्स के दोस्त बन जाओ और मैं विलियम्स की वाइफ बनती हूँ, तो सीन ये होगा ना कि तुम दोनों घर पर खाना खाने आए होगे, ठीक है? और फिर जेम्स ने विलियम्स की शक्ल देखी तो विलियम्स के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई और उसका जो सारा दर्द था वो गायब हो गया। विलियम्स ने हंसते हुए जेम्स की तरफ देखा देख रहा है जेम्स, मैरी मेरी वाइफ बन रही है मजा गया जेम्स ने विलियम से कहा, कितना अजीब और डरावना लग रहा है तू, और तू पागल है क्या, इसको उस बारे में क्यों बता रहा था? और फिर विलियम्स ने कहा, तो क्या हो गया, तो तूने मुझे मुक्का क्यों मारा, अगर बता भी दूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा? जिसके जवाब में जेम्स ने कहा, अरे सरप्राइज देना है समझा, अगर अचानक से मैरी को पता चलेगा तो वो ज्यादा इंप्रेस होगी, और ऐसे तू डायरेक्ट बता देगा तो कम इंप्रेस होगी, इसलिए मैंने तुझे मुक्का मारकर रोक दिया। और फिर विलियम्स ने कहा, अच्छा ऐसा है क्या, फिर तो तूने ठीक किया, वरना मैं तो तुझे बाहर गिरा गिरा कर मारने वाला था। खेलते खेलते उन तीनों को काफी वक्त बीत गया और फिर जैसे ही अंधेरा होने वाला था तभी मैरी खड़ी हुई और उसने कहा, चलो अब मैं चलती हूँ, अंधेरा होने वाला है, मुझे घर जाना चाहिए। और फिर विलियम्स ने कहा, संभल के जाना। और जेम्स ने भी कहा, अपना ख्याल रखना। मैरी वहाँ से चली गई और फिर जेम्स ने विलियम से कहा, अब तू रेडी है ना, अब मेरी बात ध्यान से सुन, जो जो मैं कह रहा हूँ वैसा वैसा करियो, मैंने तुझे पहले ही बता दिया है, तू अपने घर पर बोलियो कि तू मेरे घर आ रहा है और मैं अपने घर पे बोलूँगा कि मैं तेरे घर जा रहा हूँ, ठीक है? और ये बोलकर तू अपने घर से निकल जाइए और मैं अपने घर से निकल जाऊँगा, और हमारे स्कूल के बाहर जो मेन रोड है ना, हम वहीं पर मिलेंगे और उसके बाद साथ साथ चलेंगे, तू सुन रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? विलियम्स कोई जवाब नहीं दे रहा था और फिर जेम्स ने विलियम्स की तरफ देखा, तब विलियम्स मुस्कुराए जा रहा था और मुस्कुराते हुए कह रहा था, आज मैं मैरी का हस्बैंड बना, मजा आ गया, आज वो सिर्फ गेम में मेरी वाइफ बनी, आने वाले वक्त में रियल में बनेगी जेम्स विलियम्स को देख रहा था और उसने विलियम्स के पीठ पर एक और मुक्का मारा। और फिर विलियम्स ने कहा, ओए इतनी कसकी क्यों मार रहा है? जेम्स ने कहा, मैंने कुछ बातें बताई तुझे, क्या तूने सुनी? और फिर विलियम्स ने कहा, अबे बताएगा तभी तो, तब से तो चुप खड़ा है। और फिर जेम्स ने एक और मुक्का विलियम्स को मारा और कहा,
कैसे सुनाई देगा ख्याली पुलाव जो पका रहा है। पहले उससे दोस्ती तो कर, उसको इंप्रेस तो कर, पहले ही वाइफ बना रहा है। और फिर जेम्स ने विलियम्स को सारी बातें फिर से बताई और विलियम्स ने कहा, ठीक है मैं आ जाऊंगा स्कूल के बाहर वाली मेन रोड पर। 8 तारीख आई, विलियम्स ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मेरा दोस्त जेम्स है ना। और फिर विलियम्स की मम्मी ने कहा, हाँ क्या हुआ। विलियम्स ने कहा, मम्मी वो ना उसने मुझे अपने घर बुलाया है, उसने कहा है कि हम साथ में बैठकर जो हमारा हॉलीडे होमवर्क है उसे कंप्लीट कर लेंगे। रात भर अगर हम पढ़ाई करेंगे तब हमारा जो होमवर्क है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो क्या मैं उसके घर जाऊं। विलियम्स की मॉम ने कहा, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन उसके घर पर कोई भी शैतानी मत करना। विलियम्स ने फिर हंसते हुए कहा, ठीक है मॉम मैं जाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जेम्स भी अपनी मम्मी के पास गया और उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मेरा दोस्त विलियम्स है ना, तो उसने मुझे अपने घर पर बुलाया है, उसने कहा है कि हम रात भर बैठकर हमारा जो हॉलीडे होमवर्क है ना उसे कंप्लीट कर लेंगे, तो क्या मैं उसके घर जाऊं। और फिर जेम्स की मम्मी ने कहा, हाँ तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन हाँ होमवर्क पूरा कर लेना। जेम्स की मम्मी विलियम्स को अच्छी तरह से जानती थी और विलियम्स की मम्मी जेम्स को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। विलियम एक बैग लेकर रात के वक्त अपने घर से निकल गया और जहाँ पर जेम्स ने उसे कहा था वहाँ पर जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा जेम्स वहाँ पर नहीं था और विलियम्स ने कहा, अरे यार ये जेम्स कहाँ रह गया, मुझे खुद बुलाकर कहीं खुद घर पर सो तो नहीं गया। नहीं नहीं माना वो कुत्ता कमीना है हरामी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। थोड़ी देर बाद विलियम्स ने देखा कि जेम्स बहुत बड़ा बैग लेकर वहाँ पर आ रहा था। विलियम्स ने जेम्स से कहा, अरे तुम इतना बड़ा बैग लेकर क्यों आए हो। वो बैग थोड़ा भारी था। जेम्स ने उस बैग को नीचे रखा और कहा, बहुत भारी बैग है, मैं थक गया। और फिर जेम्स ने विलियम्स का जो बैग था उसे देखा और कहा, ये क्या बैग लेकर आया है, जंगल में जा रहे हैं हम, मजाक करने नहीं, ये खाली सा हल्का फुल्का बैग लेकर आ गया, मेरे को देख मैंने जरूरत का सारा सामान इसमें रख लिया है। और मैंने मम्मी को कहा कि इसमें किताबें हैं, मम्मी ने मुझे शाबाशी दी और कहा, तू तो मेरा राजा पढ़ाकू बेटा है। बड़ा मजा आया। और फिर विलियम्स ने कहा, तू कभी कभी बहुत अजीब हरकतें करता है, मुझे तुझसे डर लगता है, कहीं तू मंगल ग्रह से भागा हुआ प्राणी तो नहीं जो कि हमारे दुनिया पर कब्जा करने आया है। और फिर जेम्स और विलियम एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और तभी दोनों हंसने लगे और दोनों ने हंसते हुए एक दूसरे से कहा, दोस्ती हमारी प्यारी है, आखिरी सांस तक एक दूसरे की बेइज्जती करना जिम्मेदारी हमारी है। और फिर जेम्स ने कहा, ये ले इसमें से आधा सामान तू अपने बैग में डाल, मैं अकेला इतना सामान नहीं उठा सकता। विलियम्स ने आधा सामान अपने बैग में डाल लिया और दोनों उस जंगल की तरफ बढ़ने लगे। जब वो दोनों उस जंगल के पास पहुंचे तब उन दोनों ने उस जंगल का नज़ारा देखा और वो जंगल बाहर से ही बहुत ज़्यादा भयानक लग रहा था। और फिर विलियम्स ने कहा, जेम्स हम यहाँ तक तो आ गए, लेकिन ये जंगल तो बहुत ज़्यादा डरावना है, क्या हमें अंदर जाना चाहिए। और फिर जेम्स ने कहा, हाँ क्यों नहीं, हम इतना आगे आगे, हमने अपने घर पर झूठ भी बोला और अब हम इस जंगल में नहीं जाएंगे तो सब बेकार हो जाएगा। देख मैं तो कैमरा भी लेकर आया हूँ,
तेरी शक्ल कितनी बंदर जैसी लग रही है। और फिर विलियम्स ने कहा, इतने डरावने जंगल के बाहर भी तुझे इतना गंदा मजाक करने का सूझ रहा है, कहीं तो वो एलियन तो नहीं जो कोई मिल गया वाले जादू के साथ जंगलों में खो गया था। लेकिन जादू तो अपने ग्रह पर वापस चला गया, लेकिन तू नहीं जा पाया, और तब से लेकर आज तक तू यहीं पर भटक रहा। जेम्स ने विलियम्स की शक्ल देखी और कहा, और अब भद्दे मजाक कौन कर रहा है? दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और फिर से हंसने लगे, और उन्होंने हंसते हुए कहा, चल अब इतनी आगे आगे हैं तो अब चलते हैं। मैरी मुझसे इंप्रेस हो जाएगी। बड़ा मजा आएगा। वो जंगल काफी ज्यादा भयानक था, लेकिन वो दोनों उस जंगल के अंदर चले गए। जेम्स ने एक कंपास निकाला और उस कंपास से वो डायरेक्शन देखने लगा। विलियम्स ने पूछा, अरे ये क्या है, और ये घड़ी की तरह गोल गोल क्यों घूम रहा है? जिसके जवाब में जेम्स ने कहा, अरे ये कंपास है, डायरेक्शन बताता है, और इससे हमें डायरेक्शन पता चलती रहेगी, ये हमारी बहुत मदद करेगा। चल चल हम वीडियो शूट करते हैं। जेम्स ने अपने बैग से कैमरे को निकाला और विलियम्स को पकड़ाते हुए कहा, ये ले शूट कर, और मेरी फोटो साफ साफ आनी चाहिए। और फिर विलियम्स ने कहा, अरे तो मेरी नहीं आए, मैं अपनी शक्ल कैसे दिखाऊंगा, मैरी मुझसे इंप्रेस कैसे होगी? और फिर जेम्स ने कहा, अरे बारी बारी हम दोनों कैमरा पकड़ लेंगे। वो दोनों उस जंगल की वीडियो बनाते हुए इधर से उधर जा रहे थे, और वो जंगल काफी ज्यादा भयानक और डरावना था। जैसे जैसे वो उस जंगल में कदम रख रहे थे, उस जंगल का जो अंधेरा था वो बढ़ता जा रहा था। विलियम्स ने जेम्स से कहा, अरे जेम्स ये कैमरा कितना धांसू है, क्या क्वालिटी है, अंधेरे में भी काफी साफ नजर आ रहा है। मैं तो कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल के लिए भी इसे इस्तेमाल करेंगे, मैं तो टेक चैनल खोलूंगा, मैंने तो अपना जो इंट्रो है वो भी बोलना सीख लिया है, और मेरा जो इंट्रो है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। जेम्स और वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए, और फिर जेम्स ने कहा, अच्छा बोल के बता क्या इंट्रो है तेरा, तू टेक चैनल खोल रहा है ना? और फिर विलियम्स ने बोला, हाँ मैं टेक चैनल खोल रहा हूँ, काश मेरे पास कोई फ़ोन होता तो मैं यहाँ इस अंधेरे जंगल में उसे अनबॉक्स करता, कितना ज़्यादा स्कैरी और यूनिक हो जाता। और फिर जेम्स ने कहा, तू इंट्रो तो बोल कर दिखा। और फिर विलियम्स ने जेम्स को देखकर मुस्कुराया, और विलियम्स ने बोला, तो नमस्कार दोस्तों, यहाँ से सैमसंग की तरफ से निकलकर आ गया एक नया स्मार्टफोन, और आज हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग और देखेंगे क्या है इसकी स्पेसिफिकेशंस। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विलियम्स और आप देख रहे हैं चल निकल भुर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। जेम्स विलियम की शक्ल देख रहा था, और विलियम्स ने कहा, क्या हुआ, अच्छा था ना, एकदम अलग और यूनिक। और फिर जेम्स ने बोलना शुरू किया, यूनिक ये कुछ कुछ टेक्निकल गुरुजी जैसा नहीं लग रहा? और फिर विलियम्स ने कहा, कहाँ लग रहा है, मैंने पूरे 10 मिनट सोचकर इस इंट्रो को बनाया है, तू तो मुझसे जलता है इसलिए ऐसा कह रहा है, जल कुकड़ू। तभी विलियम्स ने देखा वहाँ पर एक जो झाड़ी थी उसमें कुछ हलचल हो रही थी, और उस हलचल को देखकर विलियम्स के माथे से पसीना टपकने लगा, और उसने जेम्स से कहा, जेम्स क्या पीछे तुझे कुछ हलचल की आवाज़ सुनाई दे रही है, तेरे पीछे कोई झाड़ी हिल रही है। और फिर जेम्स ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे झाड़ी में हल्की फुल्की सी हलचल नजर आई। और फिर जेम्स ने कहा, अरे कोई छोटा मोटा जानवर होगा, इतना घबराने की बात नहीं है। और फिर विलियम्स ने कहा,
अबे तू पागल हो गया है क्या? कहीं कोई बड़ा जानवर हुआ तो और कोई भूत हुआ तो क्या तुझे डर नहीं लगता? और फिर जेम्स ने जवाब दिया, नहीं, मैं रोज रात को डार्क लेजेंड की डरावनी कहानियां सुनता हूँ, वो भी हेडफोन्स लगाकर। तूने सुनी है क्या? और फिर विलियम्स ने जवाब दिया, नहीं। जिसके जवाब में जेम्स ने कहा, तभी तुझे डर लग रहा है, तुझे अभी डर का असली मतलब नहीं पता। सब्सक्राइब डार्क लेजेंड फॉर एक्सपीरियंस रियल फियर। वो दोनों काफ़ी देर तक उस जंगल में घूमते रहे और विलियम्स ने कहा, अरे काफ़ी देर हो गई है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसके जवाब में जेम्स ने कहा, हाँ तू सही कह रहा है, काफ़ी देर हो गई है, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और हवाएं जो थी वो काफ़ी तेज़ चल रही थी। वहाँ पर इतनी ज़्यादा शांति थी, ऐसा लग रहा था जैसे जेम्स और विलियम्स के अलावा उस पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। जेम्स और विलियम्स उस जंगल से बाहर जा ही रहे थे, तभी सामने वाली एक झाड़ी में काफ़ी तेज़ी से हलचल होने लगी और जेम्स ने कहा, ये क्या है, ये क्या है? विलियम्स भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। विलियम्स ने कहा, क्या हमें भागना चाहिए? जिसके जवाब में जेम्स ने कहा, हमें छुपना चाहिए, अगर कोई बड़ा जानवर हुआ तो हमें वो मिनटों में पकड़ लेगा। वो दोनों भागकर एक झाड़ी के पीछे छुप गए और तभी उन्होंने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा चूहा था और वो उस झाड़ी से निकलकर कहीं और चला गया। विलियम्स और जेम्स ने चैन की सांसें ली। तभी विलियम्स ने जेम्स के कंधे पर हाथ रखा और जेम्स काफ़ी ज़्यादा डर गया और उसके मुंह से चीख निकल गई। चीखते ही उसके हाथ में जो कंपास था वो गिरकर खो गया और जेम्स ने कहा, अरे बेवकूफ, ये क्या किया, कंपास खा गया? और फिर विलियम्स ने कहा, अरे मैंने तो सिर्फ हाथ रखा था तेरे कंधे पर, मुझे क्या पता था तू इतना डर जाएगा, देख आसपास कहीं होगा। वो कंपास गोल था जिसकी वजह से वो लुढ़क कर कहीं और चला गया था। और फिर जब जेम्स और विलियम्स ने उस कंपास को ढूंढने की कोशिश करी तो उन्हें वो कंपास नहीं मिला। जेम्स ने कहा, अरे विलियम्स, ये तूने क्या कर दिया, अब बिना उस कंपास के हम इस जंगल से बाहर कैसे निकलेंगे? हम इतनी देर से इधर उधर भटक रहे हैं, इसी की वजह से हमें डायरेक्शन पता चल रही थी और अब बिना डायरेक्शन पता लगाए हम भटक जाएंगे इस जंगल में। काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें कंपास नहीं मिला। वो दोनों काफी ज्यादा डरे हुए थे। विलियम्स ने कहा, अरे अब हम क्या यहीं पर खो जाएंगे? जिसके जवाब में जेम्स ने कहा, पता नहीं, जैसे जैसे आए थे वैसे वैसे चलते हैं, क्या पता बाहर निकल जाए, लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जब तक कंपास साथ में था तब तक मुझे पूरा यकीन था कि हम खोएंगे नहीं, लेकिन अब तेरी वजह से कंपास ही खो दिया, बेवकूफ। विलियम्स की आंखों में आंसू आ गए और फिर जेम्स ने कहा, अरे तू परेशान मत हो, मैं तेरा दोस्त, तेरे साथ हूं ना, कुछ भी हो जाए मैं तुझे यहां से निकाल कर ही रहूंगा, मैं तुझे यहां पर लेकर आया हूं तो तुझे निकालने की जिम्मेदारी भी मेरी है, चल। उन्हें थोड़ा बहुत जो रास्ता याद था वो उसी रास्ते पर चल चल के बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें चलते चलते 1.5 घंटा बीत गया। लेकिन उन्हें फिर समझ आया कि वो एक ही जगह पर बार बार घूम रहे हैं। वो जंगल काफ़ी ज़्यादा घना था और वो उस घने जंगल में भटक गए थे। वो जंगल काफ़ी किलोमीटर्स में फैला हुआ था जिसकी वजह से अगर कोई उसके अंदर फंस जाए, खासकर छोटे बच्चे, तब उनका निकलना हद से ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। और सबसे खतरनाक बात, उस जंगल में से कई सारे लोग गायब हो चुके थे और वो लोग कहाँ गए, किसी को इस बारे में कोई खोज खबर नहीं मिली थी। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे और उस जंगल से निकलने की बार बार कोशिश कर रहे थे,
लेकिन सारी कोशिश नाकामयाब हो रही थी। तभी वहाँ उस जंगल में उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दी, और वो आवाज़ें आम आवाज़ें नहीं थी। विलियम्स ने कहा, ये किसकी आवाज़ है? और फिर जेम्स ने बताया, मुझे नहीं पता, शायद कोई जंगली जानवर है। रात के वक्त वो सब शिकार पर निकलते हैं, लेकिन ऐसी कभी आवाज़ मैंने तो नहीं सुनी किसी जंगली जानवर की। हो ना हो ये कुछ और ही है। विलियम्स काफ़ी ज़्यादा डर गया। वो दोनों वहाँ से भागने लगे। तभी भागते भागते जेम्स वहाँ पर काफ़ी ज़ोर से गिरा और उसके पैर में चोट लग गई। और तभी उन दोनों ने देखा कि उसका पैर और कहीं नहीं बल्कि एक कंकाल में फंसा था, और वो कंकाल इंसान का था, और उसके शरीर पर मांस बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। उस कंकाल को देखकर उन दोनों की जो रूह थी वो कांप गई थी। और तभी विलियम्स का पैर एक चिपचिपी चीज़ पर पड़ गया, और विलियम्स ने देखा कि उसके पैर के नीचे किसी इंसान की टांग आ गई थी, और उस टांग पर जो मांस था वो सड़ चुका था और सड़कर चिपचिपा हो गया था। विलियम्स ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब हम क्या करेंगे? जेम्स को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और उन लाशों को देखने के बाद उनकी जो हालत थी वो और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तभी उन दोनों ने एक आवाज़ सुनी, भारी भारी कदमों के साथ कोई अजीब सी चीज आवाज करते हुए उनके आसपास घूम रही थी। जेम्स और विलियम्स दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे, और उन्हें अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ अब होने क्या वाला है। वो दोनों वहां से पागलों की तरह भागने लगे। जेम्स ने पूछा, अरे कहां भाग रहा है पुत्थू? ऐसे तो हम जंगल के और अंदर फंस जाएंगे। और फिर विलियम्स ने कहा, अरे अगर नहीं भागेंगे तो वो जो आवाज आ रही है वो हमें खा जाएगी। पता नहीं किसकी आवाज है, इतनी ज्यादा डरावनी। वो दोनों काफी ज्यादा डरे हुए थे, और उस वक्त उन्हें सिर्फ एक ही रास्ता समझ आ रहा था, और वो था भागने का। और वो दोनों वहां से बस भाग रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो जंगल में और भी ज़्यादा अंदर की ओर घुस रहे हैं। वो काफ़ी किलोमीटर भाग भाग कर जंगल के और अंदर घुस गए थे, और फिर एक जगह रुककर उन्होंने चैन की सांस ली। उन्हें लग रहा था कि वो उस आवाज़ से काफ़ी ज़्यादा दूर आ गए हैं। एक पेड़ के नीचे रुककर वो काफ़ी तेज़ी से सांसें लेने लगे। जेम्स, आखिर क्या था वो? हम यहाँ से निकल भी पाएंगे कि नहीं? और फिर जेम्स ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, भाई उस आवाज़ से तो बहुत दूर आ गए, लेकिन अब नहीं पता अब क्या होगा। थोड़ा बहुत जो डायरेक्शन का पता था वो भी अब चला गया, अब सिर्फ भगवान के भरोसे हैं। तभी उन्हें वही आवाज़ फिर से सुनाई दी। और फिर उन दोनों ने देखा कि अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही हैं, और वो धीरे धीरे उनकी तरफ ही बढ़ रही हैं। जेम्स और विलियम्स की जो सांसें थी वो फूल चुकी थी, लेकिन फिर भी वो वहाँ से काफ़ी तेज़ी से भागने लगे। उनके पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब आखिर क्या किया जाए। वो एक ऐसे जंगल में फंस गए थे जो कि कई कई किलोमीटर में फैला हुआ था, और वो इतना ज़्यादा घना था कि वहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। उनके पास मदद बुलाने के लिए कोई साधन भी नहीं था, और जो उनके पास कंपास था वो खो चुका था।
बचपन में की गई गलती उन्हें इतनी बड़ी मुसीबत में डाल देगी, उन्हें अंदाजा भी नहीं था। और अब उन्हें अंदाजा हो गया था कि बचपन में उनसे बहुत ही भयानक गलती हो गई है, क्योंकि वो फंस गए हैं एक ऐसे जंगल में जहाँ से निकलना ना के बराबर है। जेम्स और विलियम्स रो रहे थे और रोते हुए सिर्फ भाग रहे थे, तभी वहीं पर विलियम्स का पैर किसी चीज़ में फंस गया और वो काफ़ी तेज़ी से गिरा। जेम्स थोड़ा सा आगे निकल गया, लेकिन उसने देखा कि विलियम्स उसके पीछे नहीं था। जेम्स को कुछ भी समझ नहीं आया, जेम्स वापस से उल्टा भागा विलियम्स को देखने के लिए कि आखिर वो कहाँ पर है। तभी उसने वहाँ पर देखा विलियम्स के घुटने पर चोट लग गई थी और वो जमीन पर गिर के दर्द से कराह रहा था। जेम्स भागता हुआ विलियम्स के पास आया और उसने कहा, विलियम्स भाई भाई, यहाँ से भाग, यहाँ से भाग, अभी हमारे पास रुकने का वक्त नहीं है, भाग यहाँ से वरना वो जो कोई भी हमें आके मार देगा। तभी उन दोनों ने फिर से देखा कि अंधेरे में वही दो लाल आंखें चमक रही थीं, और तभी वहां से एक आवाज आई, भागो, कितना भागोगे? लेकिन एक बात याद रखना, तुम जितना भी तेज भाग लो, जितनी भी देर तक भाग लो, तुम अपनी जान नहीं बचा पाओगे। और अभी मुझे ज्यादा भूख नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सिर्फ खेल रहा हूं। ये आवाज़ सुनकर जेम्स और विलियम्स की जो रूह थी वो पूरी तरह से कांप चुकी थी। विलियम्स जैसे तैसे लंगड़ाते हुए खड़ा हुआ और वो दोनों फिर से वहां से भागने लगे। भागते भागते वो दोनों एक गहरी खाई की तरफ पहुंच गए जहां नीचे नदी थी। जेम्स ने विलियम से कहा, विलियम्स रुकियो मत, नीचे नदी है, कूद जाते हैं, बाद में तैरते हुए कहीं निकल चलेंगे। उन दोनों को तैरना आता था और विलियम्स ने हाँ में सर हिलाया। जेम्स भागता हुआ उस खाई में कूद गया और सीधा उस नदी के अंदर जा गिरा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विलियम्स जो था, लेकिन वहीं पर जो विलियम्स था वो नदी में नहीं कूद पाया, क्योंकि उसका जो पैर था वो जख्मी था और भाग भाग कर जो उसकी जो ताकत थी वो ख़त्म हो गई थी, और कमज़ोरी की वजह से उसे चक्कर आ गए थे और वो वहीं पर गिर गया था। वहीं दूसरी तरफ जेम्स पानी की सतह पर आ तो गया था, लेकिन उसे कहीं पर भी विलियम्स नज़र नहीं आ रहा था। जेम्स बार बार विलियम्स को आवाज़ लगा रहा था, लेकिन बदले में कोई भी जवाब जो था वो नहीं मिल रहा था। जेम्स काफ़ी ज़्यादा घबरा गया कि आखिर विलियम्स कहाँ गया, कहीं पानी में गिरने के बाद कहीं वो डूब तो नहीं गया, या फिर वो ऊपर से कूद ही नहीं पाया। ऐसे कई सारे सवाल जेम्स को परेशान कर रहे थे और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने आसपास देखा तो उसे दूर दूर तक कोई भी ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी जहाँ पर वो रुक सके। उसके बाद उसे काफ़ी दूर ज़मीन नज़र आई और वो तैर तैर कर उस जमीन की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और वो रो रहा था, उसे विलियम्स की चिंता खाए जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसे जमीन तक भी पहुंचना था। काफ़ी देर तैरने के बाद, काफ़ी किलोमीटर तैरने के बाद उसकी जो हिम्मत थी वो जवाब देने लगी थी, और आखिरकार कमज़ोरी के कारण वो भी बेहोश हो गया। हाँ, तो ये जो वीडियो थी वो वेंडिगो वर्सेस वेयरवुल्फ सीरीज का पार्ट 1 थी। कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और सेकंड चैनल का भी याद रखना, उस पर भी 500 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवानी, तभी जो है वो वीडियो अपलोड उस पर होनी जो है वो शुरू हो जाएगी। और इसके बाद
जो मेरे चैनल पर लेटेस्ट वेंडिगोस की जो स्टोरी डली है वो मैंने ऐड कर दी है। तो अगर आपने उन स्टोरीज़ को नहीं सुना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको जो स्टोरीज़ हैं वो पसंद आएगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको स्टोरीज़ कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे चैनल की लेटेस्ट वेंडिगोस स्टोरीज़ को। ब्रैड एक काफ़ी बड़ा चोर था जिसने काफ़ी बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम दिया था और वो जेल से फरार था। वो रूप बदल कर आम लोगों के बीच घूमता था जिससे पुलिस को उसके ऊपर शक ना हो। और इस बार उसका जो प्लान था वो प्लान था एक म्यूज़ियम में चोरी करना, क्योंकि उस म्यूज़ियम में काफ़ी कीमती कीमती चीज़ें रखी हुई थी और उन चीज़ों पर ब्रैड की नज़र थी। ब्रैड एक मार्केट में खड़ा था और एक आदमी को देख रहा था। उस आदमी की गोद में एक बच्चा था और साथ ही साथ उसके बगल में उसकी वाइफ खड़ी थी। वो आदमी एक सिंपल फैमिली मैन था और ब्रैड उसी को घूरे जा रहा था। वो जो पूरी फैमिली थी वहाँ से जाने लगी और ब्रैड उनका पीछा करने लगा। पीछा करते करते वो उस फैमिली के घर तक पहुँच गया। वो जो आदमी था और उसकी जो फैमिली थी वो अपने घर में चली गई और थोड़ी देर बाद उसकी जो वाइफ थी वो वहाँ पर आई और उसने उस आदमी से कहा, बाहर एक आदमी है जो कि काफ़ी देर से हमारे घर के बाहर खड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर कौन है वो, मुझे कुछ चोर लग रहा है। और जैसे ही ये बात उस आदमी ने सुनी तब उसने अपनी लाइसेंस वाली बंदूक निकाली और बंदूक लेकर सीधा घर के बाहर पहुंचा। तो उसने देखा कि वहाँ एक आदमी खड़ा था और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि ब्रैड ही था। वो आदमी ब्रैड के पास आया और उसने अपनी बंदूक दिखाते हुए कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो, यहाँ मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? जिसके जवाब में ब्रैड ने कहा, बंदूक की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। और फिर उस आदमी ने कहा, आखिर तुम हो कौन और मुझसे क्या बात करनी है, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। और उसके बाद ब्रैड ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं लियो। ये बात सुनते ही वो जो आदमी था उसके होश उड़ गए। उस आदमी ने घबराते हुए कहा, लियो, कौन लियो, मैं किसी लियो को नहीं जानता। और फिर ब्रैड ने हंसते हुए कहा, तुम दुनिया की नज़रों में धूल झोंक सकते हो मिस्टर लियो, लेकिन मेरी नज़रों में धूल नहीं झोंक सकते। तुम्हारा असली नाम लियो है, तुम एक ज़माने में काफ़ी बड़े चोर हुआ करते थे, तुमने काफ़ी बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम दिया जैसे मैंने दिया है, तुम मोस्ट वांटेड चोर थे। सन 2002 में तुमने एक बैंक में रॉबरी करी थी और वो रॉबरी इतनी क्लूलेस थी कि पुलिस तुम्हें पकड़ ही नहीं पाई और पैसे मिलने के बाद तुमने अंडरवर्ल्ड की दुनिया को छोड़ दिया और एक आम जिंदगी जीने लगे। तुमने शादी कर ली और आज तुम्हारा हंसता खेलता परिवार है। लियो के माथे से पसीना टपक रहा था और फिर लियो ने कहा, तुम्हें ये सब कैसे पता और तुम्हें क्या चाहिए? जिसके जवाब में ब्रैड ने कहा, हाँ कहावत तो सुनी ही होगी, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, हाँ तो तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने एक प्लान बनाया है, एक चोरी है उसे अंजाम देना है और उसमें तुम मेरी मदद करोगे। जिसके जवाब में लियो ने कहा, अब मैं कोई चोरी नहीं करता, मैंने वो सारे काम छोड़ दिए। जैसे ही ये बात ब्रैड ने सुनी तब ब्रैड मुस्कुराया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सही कहा तुमने, तुमने बुरे काम छोड़ दिए हैं, ठीक है मैं तुम्हारी वाइफ को बता देता हूँ ना कि तुम कितने बड़े चोर थे अपने टाइम में, हाँ जानकर काफ़ी खुशी होगी तुम्हारी वाइफ को। कहाँ है तुम्हारी वाइफ, अंदर, अरे सुनिए ज़रा, अरे लियो की वाइफ।
और फिर लियो ने ब्रैड का मुंह दबाते हुए कहा, बस शांत हो जा, क्या चाहिए तुम्हें? मैंने तुमसे एक बार कह दिया ना कि मैं चोरी नहीं करता। और फिर ब्रैड ने हंसते हुए कहा, तुम नहीं करते तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए तुम्हें करना पड़ेगा, और अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तब मैं तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे बारे में सब बता दूंगा, और फिर तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ कैसे रहती है वो मैं देखता हूँ। मुझे पक्का यकीन है वो चोर के साथ रहना तो नहीं पसंद करेंगे। लियो के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने हाँ कह दी। वो दोनों घर के बेसमेंट में गए और वो दोनों प्लान बनाने लगे कि उन्हें चोरी कैसे करनी है। ब्रैड के दिमाग में एक काफ़ी एडवांस प्लान था। उस प्लान के मुताबिक लियो उस म्यूज़ियम के सिक्योरिटी सिस्टम को पूरा हैक कर लेगा, जिसकी वजह से वहाँ के जो सारे दरवाजे हैं वो अनलॉक हो जाएंगे और किसी भी चीज़ को छूने पर कोई अलार्म नहीं बजेगा। और वहीं दूसरी तरफ ब्रैड पावर रूम में जाकर सारी पावर को ऑफ कर देगा, जिसकी वजह से पूरे म्यूज़ियम में अंधेरा हो जाएगा। और जैसे ही अंधेरा होगा वैसे ही लियो और ब्रैड दोनों नाइट विजन गॉगल्स पहनकर मास्क लगाकर म्यूज़ियम में जितना भी कीमती सामान होगा सबको लूट लेंगे। और फिर कुछ ही दिनों बाद उन दोनों ने प्लान को अप्लाई करना शुरू कर दिया। रात के वक्त लियो मास्क और गन्स लेके रेडी था। लियो ने उस म्यूज़ियम के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया, और वहीं दूसरी तरफ ब्रैड भी नॉर्मल वर्कर के कपड़े पहनकर पावर रूम में पहुंच गया और उसने वहाँ की सारी लाइट्स को ऑफ कर दिया। उसने मेन पावर को ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से पूरे म्यूज़ियम में अंधेरा छा गया। मौका पाते ही वो दोनों नाइट गॉगल्स पहनकर एक महंगी चीज़ों को चोरी करने लगे, और चोरी करते करते वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए। ब्रैड और लियो के पास कोई और रास्ता नहीं था, उन्होंने अपनी गन्स निकाली और वहीं पर सिक्योरिटी गार्ड्स में और लियो और ब्रैड में लड़ाई हो गई। ब्रैड एक खूंखार चोर तो पहले से ही था, जिसे गन्स चलाना काफ़ी अच्छी तरह से आता था, और लियो भी एक काफ़ी पुराना खिलाड़ी था, उसे भी गन चलाना काफ़ी अच्छे से आता था। इसलिए उन दोनों ने अकेले ही वहाँ जितने भी सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे सबको ठिकाने लगा दिया और मौका देखते ही वहाँ से निकल गए। उन्होंने एक सुरक्षित जगह पर सारी चीज़ों को छुपा दिया और पूरे देश में ये बात आगे की तरह फैल गई कि म्यूज़ियम में काफ़ी महंगी महंगी चीज़ों की चोरी हो गई है। हर न्यूज़ चैनल पर यही बात बताई जा रही थी। और वहीं दूसरी तरफ लियो काफ़ी ज़्यादा उदास था, उसने कसम खाई थी कि वो फिर कभी चोरी नहीं करेगा, लेकिन उसे मजबूरी में एक बार फिर से चोरी करनी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ ब्रैड हंस रहा था, उसने हंसते हुए सारी चीज़ों को बाहर निकाला और कहा, मज़ा आ गया, हाँ इसको बोलते हैं पैसा। अब इन चीज़ों को डार्क मार्केट में बेचकर मैं करोड़पति बन जाऊंगा। तभी उसने लियो को देखते हुए कहा, मान गया लियो तुम्हें, मुझे तो लगा था तुम सिक्योरिटी गार्ड्स को देखकर सरेंडर कर दोगे, लेकिन मैं भूल ही गया था कि तुम काफ़ी बड़े चोर हो, तुमने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली। इसमें से मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दे दूंगा, तुम और तुम्हारी फैमिली खुशी खुशी रहेगी। तभी ब्रैड को एक बॉक्स दिखा और वो बॉक्स काफ़ी ज़्यादा अजीब था। दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कुछ पुराना सामान रखा हुआ है। और फिर ब्रैड ने उस बॉक्स को ठीक तरह से चेक किया तो उस बॉक्स पर एक काफ़ी पुरानी स्लिप चिपकी हुई थी, और उस स्लिप में लिखा हुआ था, डू नॉट ओपन। और जैसे ही ब्रैड ने ये बात पढ़ी तब उसने उस बॉक्स को तुरंत खोल दिया, और तुरंत उस बॉक्स को खोलते ही उसने देखा कि उसके अंदर एक हिरन की खोपड़ी पड़ी हुई थी। ब्रैड को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्या है ये, और फिर उस बॉक्स में ही एक सामान उसे और मिला, और वो सामान एक चिट्ठी थी, और उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, कृपया करके
ये जो हड्डी है इससे दूर रहे, इसके संपर्क में ना आए, वरना अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। ब्रैड ने फिर लियो से कहा, लियो तुम्हें क्या इस हड्डी जो भी है ये इसके बारे में कुछ पता है? और फिर लियो ने उस चीज को ध्यान से देखा। तब लियो ने कहा, इस चीज को फेंक दो जल्दी से, इस चीज से जितना दूर रहो उतना सही रहेगा तुम्हारे लिए। और फिर ब्रैड ने कहा, क्यों ऐसा क्या है इसमें? और फिर लियो ने कहा, ये कोई आम खोपड़ी नहीं है, दुनिया में कई सारे ऐसे जंगल हैं जहां पर आदिवासी रहते हैं और वो आदिवासी काला जादू करते हैं। वहां जो ये खोपड़ी है इसे एक ताज के रूप में देखते हैं, और मरने के बाद वहां के जो लोग हैं वो काला जादू करके मरने वाले की आत्मा को इसी ताज के अंदर कैद कर लेते हैं, और अगर कोई ये खोपड़ी पहन लेता है तब वो जो आत्मा इस खोपड़ी के अंदर कैद होती है वो उस आदमी पर कब्जा कर लेती है, और वो आदमी एक वेंडिगो बन जाता है। और जैसे ही ब्रैड ने ये बात सुनी तब उसने हंसते हुए कहा, अच्छा और कुछ भूत प्रेत या पिशाच वगैरह नहीं बनता, सीधा वेंडिगो? क्या मजाक है, डार्क मार्केट में इसकी कीमत क्या होगी? और फिर लियो ने कहा, डार्क मार्केट में इसे कोई भी नहीं खरीदेगा क्योंकि सब इसकी हकीकत जानते हैं। और फिर ब्रैड ने कहा, फिर तो ये हमारे किसी काम का नहीं, इसे फेंक देना ही ठीक है। और उसने मजाक मजाक में ही उस खोपड़ी को अपने सर पर पहन लिया। और फिर ब्रैड जो था उसने कहा, सही तो है, कितना बढ़िया लग रहा हूं मैं, वाह एकदम फिट आ रहा है। और फिर लियो ने ब्रैड की शक्ल देखी, तब ब्रैड अचानक से चुप हो गया, और तभी ब्रैड अपना जो हाथ था वो मुंह में डालने लगा। लियो को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ब्रैड क्या कर रहा, और तभी ब्रैड ने अपना हाथ खाना शुरू कर दिया। लियो काफी ज्यादा घबरा गया और घबराते हुए वहां से दूर हटने लगा, और तभी ब्रैड जो था वो धीरे धीरे एक आदमखोर में बदलने लगा। उसकी जो आंखें थी वो लाल होने लगी, और उसका जो शरीर था वो पतला होने लगा। पतला होते होते उसका शरीर इतना ज्यादा पतला हो गया कि उसकी जो हड्डियां थी वो दिखने लगी, और फिर लियो को पता चल गया कि ब्रैड के ऊपर वेंडिगो की स्पिरिट ने कब्जा कर लिया है, और ब्रैड एक आदमखोर वेंडिगो बन चुका है। ब्रैड अपनी जान बचाने के लिए वहां से जैसे तैसे भागा, लेकिन उसके पीछे पीछे वो ईवल वेंडिगो भी भागा। वो जो वेंडिगो था वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था। लियो एक ऐसी जगह पर था जहां कई किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं रहता था, क्योंकि ब्रैड और लियो ने जगह ही ऐसी चुनी थी। उस जगह पर दूर दूर तक सिर्फ जंगल था। लियो बस भाग रहा था और उसके पीछे वो आदमखोर वेंडिगो लियो का पीछा कर रहा था। तभी वहां पर एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी, और लियो उस पुलिस की गाड़ी से टकरा गया। वो पुलिस वाला तुरंत गाड़ी से बाहर उतरा और उसने देखा कि एक आदमखोर वेंडिगो जो कि खून से पूरा सना हुआ है वो पागलों की तरह भागता हुआ उसी कार के पास आ रहा था। वो ऑफिसर इतना ज्यादा डर गया कि उसके पास बंदूक में जितनी गोलियां थी उसने सारी गोलियां उस वेंडिगो के अंदर उतार दी, लेकिन उस आदमखोर वेंडिगो को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उसका जो गुस्सा था वो और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने देखते ही देखते उस पुलिस वाले को बीच में से चीर कर रख दिया और उस पुलिस वाले का मांस खाने लगा। लियो वैसे ही काफी ज्यादा घबराया हुआ था। उसने मौका पाकर तुरंत पुलिस वाली गाड़ी की ड्राइविंग वाली सीट पर बैठ गया और तुरंत उसने गाड़ी को पीछे किया और फिर से फुल स्पीड में उस वेंडिगो को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वो वेंडिगो थोड़ा दूर जाकर गिरा, और उस पुलिस वाले की गाड़ी लेकर लियो वहां से निकल गया। लियो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहा था,
तभी उसने देखा कि 4-5 पुलिस की गाड़ियां वहां आ रही थी। जब उन पुलिस की गाड़ियों में बैठे पुलिस ऑफिसर्स ने देखा कि एक पुलिस की गाड़ी को एक नॉर्मल बंदा चला रहा है, तब उन्हें शक हुआ। इसलिए उन्होंने तुरंत लियो की जो गाड़ी थी उसे रोक दिया। लियो ने घबराते हुए उन्हें सारी बातें बताई, लेकिन पुलिस वालों को सारी बातें झूठ लग रही थी। और तभी पीछे से एक आवाज गूंजी और वो आवाज सुनकर वो सारे पुलिस वाले डर घबरा गए। उन सारे पुलिस वालों ने अपनी अपनी बंदूकें निकाल दी और फिर उन्होंने देखा कि एक आदमखोर वेंडिगो। वो पुलिस वाले भी वहां से भागने लगे। उनमें से एक पुलिस वाले ने कंट्रोल रूम में फोन किया और सारी बातें बताई। सारे पुलिस वाले काफी ज्यादा घबराए हुए थे और वो वेंडिगो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था और उसने तुरंत उन पुलिस वालों पर हमला कर दिया। पुलिस वाले उसके ऊपर जितना भी गोलियां चला रहे थे वो सारी गोलियां बेकार जा रही थी। उस वेंडिगो कोई खरोच भी नहीं आ रही थी। उन पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वो जो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं वो क्या हकीकत है, क्योंकि वेंडिगो सिर्फ किस्से कहानियों में मिलते थे, लेकिन एक आदमखोर खूनी वेंडिगो उनकी आंखों के सामने था। वहां पर ढेर सारी पुलिस आ गई और हेलीकॉप्टर आ गए। उन सब ने मिलकर गोलियों की बरसात कर दी और वो वेंडिगो वहां से जंगल के अंदर भाग गया। लियो वहां पर घायल हालत में पड़ा हुआ था और सारे पुलिस वाले टेंशन में आ गए, क्योंकि अगर वो जंगल से बाहर निकलकर लोगों पर हमला करने लगता तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए एक पुलिस वाले ने बताया कि वेंडिगो आग में जलकर मर जाते हैं या फिर उनके सीने में कोई लकड़ी से बना हथियार घुसा दिया जाए, तब उनकी मौत हो जाती है। और तभी उन पुलिस वालों के दिमाग में एक प्लान आया। उन्होंने हेलीकॉप्टर के पायलट को ऑर्डर दिया और वो हेलीकॉप्टर का पायलट उस हेलीकॉप्टर को जंगल के थोड़ा नज़दीक लेकर गया और काफ़ी ढूंढने के बाद वो आदमखोर वेंडिगो पुलिस वालों को मिल गया। उन सारे पुलिस वालों ने कई सारे ग्रेनेड उसी वेंडिगो के ऊपर फेंक दिए, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी बड़ा धमाका हुआ और उस इलाके में आग लग गई। आग में जलने की वजह से वो वेंडिगो काफ़ी तेज़ी से चिल्लाने लगा और उसकी आवाज़ काफ़ी दूर दूर तक जा रही थी। उसकी आवाज़ को 3 किलोमीटर दूर तक भी सुना जा सकता था। कुछ ही देर बाद उसी आग में से एक झुलसा हुआ आदमी निकला, जो कि काफ़ी बुरी तरह से जला हुआ था, और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि ब्रैड था। वो पूरी तरह से झुलस चुका था, जिसकी वजह से वो पहचान में भी नहीं आ रहा था। पुलिस वालों को लगा कि शायद वो कोई आम आदमी है, इसलिए पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन रास्ते में ही ब्रैड की मौत हो गई। दो पुलिस वाले अपने पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, क्योंकि उनके शहर में कई सारे लोग गायब हो गए थे और वो कहाँ गए थे किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी पुलिस स्टेशन में एक लड़का भागता हुआ आया और उसने पुलिस वालों से कहा, ऑफिसर्स, मुझे आप सबकी जरूरत है, आप मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। जब उन पुलिस ऑफिसर्स ने उस बच्चे को इतना घबराते हुए देखा तब उन्होंने कहा, क्या हो गया, सब कुछ ठीक तो है? और फिर उस लड़के ने कहा, ऑफिसर्स, मेरे घर में एक चोर घुस गया है और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मुझे बहुत डर लग रहा है। और जैसे ही ये बात उन पुलिस ऑफिसर्स ने सुनी, उन्होंने अपनी गाड़ी को निकाला और उसे लड़के के साथ उसके घर के लिए निकल गए। वो लड़का उन्हें रास्ता बता रहा था, लेकिन वो जो रास्ता था वो काफ़ी घने जंगल से होते हुए जा रहा था। और जब उन्होंने उस लड़के का घर देखा तब पुलिस वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो घर जंगल के बीचों बीच था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये जंगल के बीचों बीच घर कौन बनाता है। ऑफिसर्स ने उस लड़के के घर के बाहर अपनी गाड़ी को रोका और उसके बाद वो लड़का और ऑफिसर्स बाहर निकले। ऑफिसर्स ने पूछा, क्या तुम्हारा फैमिली मेम्बर कोई अंदर है? जिसके जवाब में उस लड़के ने ना में सर हिलाया और वो पुलिस ऑफिसर्स अपनी गन्स को लेकर उस घर में घुस गए। उन्होंने
चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन उन्हें कोई भी चोर नजर नहीं आया। तभी उस घर का जो फोन था वो बजने लगा, और जैसे ही वो फोन बजा तब वो जो पुलिस वाला था वो फोन की तरफ देखने लगा, और तभी एक कमरे से एक बूढ़ा आदमी निकल कर आया, और वो बूढ़ा आदमी उन दोनों पुलिस वालों को देखकर हंसने लगा। उन पुलिस वालों को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। उन पुलिस वालों ने पूछा, चोर कहां पर है? जिसके जवाब में वो बूढ़ा आदमी हंसने लगा और हंसता ही रहा। और फिर एक ऑफिसर ने कहा, हम जाल में फंस गए हैं। और फिर दूसरे पुलिस वाले ने कहा, कौन सा जाल, कैसी बात कर रहे हैं आप? और फिर उस ऑफिसर ने कहा, इनके जो घर का फोन था वो ठीक था, लेकिन फिर भी इन्होंने कॉल नहीं किया, बल्कि इनका बेटा खुद पुलिस स्टेशन में आया। और फिर उस पुलिस वाले ने कहा, हाँ तो इससे क्या साबित होता है? और फिर वो जो बूढ़ा आदमी था वो पागलों की तरह हंसने लगा, और उसने एक आदमखोर वेंडिको का रूप ले लिया। और उन दोनों पुलिस वालों ने देखा कि वो बच्चा बाहर खड़े खड़े तमाशा देख रहा था। इसका मतलब वो जो बच्चा था वो उन दोनों पुलिस वालों को धोखे से अपने घर के अंदर लेकर आया था, ताकि उसके जो फादर है जो कि एक आदमखोर वेंडिगो है वो अपना पेट भर सके। और ये हकीकत जब उन दोनों पुलिस वालों को पता चली, उन दोनों पुलिस वालों ने अपनी गन्स को पॉइंट कर दिया उस आदमखोर वेंडिगो पर और ढेर सारी फायरिंग करी, लेकिन उस फायरिंग का कोई असर नहीं हुआ और उस वेंडिगो ने दोनों पुलिस वालों का खेल खत्म कर दिया। कहते हैं कि आज भी वो लड़का अंधेरी सुनसान सड़कों पर घूमता है और लोगों से मदद मांगता है, और जो इंसान उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और उसके साथ उसके घर चला जाता है वो लौटकर फिर कभी नहीं आता। क्या आप उस लड़के के साथ उसके घर पर जाना चाहेंगे? हाँ, तो ये कहानी थी, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कहानी जो है वो कैसी लगी। और मैंने सोचा है कि मैं अघोरी की एक सीरीज़ को स्टार्ट करूँ, अगर आपको अघोरी की जो है वो सीरीज़ सुननी है तब आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको वेंडिगो की डरावनी कहानियां सुनाने वाला हूं। तो कहानियां शुरू करने से पहले जो बात मैंने आपको कल कही थी, कल के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जो मेरा सेकेंड चैनल है उसे भी जाकर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरा सेकंड चैनल है जो मैंने अभी न्यू क्रिएट किया है, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी जो है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं कि चैनल जो है वो YouTube बहुत जल्दी डिलीट कर देता है। फेक स्ट्राइक का भी खतरा आजकल बहुत ज़्यादा है, तो भगवान ना करे इन फ्यूचर अगर मेरे इस चैनल पर कोई भी मतलब इशू वगैरह क्रिएट हो जाता है, तो मैं आप में से किसी को खोना नहीं चाहता, क्योंकि आप सभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इसलिए मैं बारिश में धूप में हमेशा मेहनत करता रहता हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि मैं आप सभी को खोना नहीं चाहता। इसलिए आप उस सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल जो है वो प्रेस कर लें। तो मुझे उम्मीद है आपने चैनल को जो है वो सेकंड वाले चैनल को वो सब्सक्राइब कर लिया होगा, और जैसे ही उस पर 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो उस पर वीडियोस डलना शुरू हो जाएगी, तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो। तो अपने अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लो और चलो आज की कहानी को जो है वो शुरू करते हैं। ये बात तकरीबन उस वक्त की है जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था। मेरे स्कूल की छुट्टियां पड़ी थी और उन्हें छुट्टियों में मैं अपने दादा दादी के घर गया हुआ था। मुझे अपने दादा दादी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था,
क्योंकि हमेशा से मैं शहर में ही रह रहा था। मेरा जो गांव है, यानी कि जहां पर मेरे दादा दादी का घर है, वो जगह ज्यादा विकसित नहीं है, यानी कि वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है। वो एक ऐसी जगह है जहां पर घरों के आसपास सिर्फ पेड़ पौधे हैं। वहां की जो हवा है, उस हवा में सांस लेकर ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हो। जब मैं पहली बार अपने दादा दादी के घर जा रहा था, तब मुझे लग रहा था कि शायद मैं कहीं किसी अमेज़न के जंगल में पहुंच गया हूं। लेकिन जब मैंने अपने पापा से पूछा, तब उन्होंने बताया, हमारा गांव ऐसा ही है, यहाँ की खूबसूरती ये पेड़ पौधे हैं, ना कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। जब मैं अपने दादा दादी के घर पहुंचा, तब मैंने घर को देखा। घर तो काफी ज्यादा अच्छा था। तभी घर का दरवाजा खुला और अंदर से मेरी दादी जी निकल कर आई, और उन्होंने जैसे ही मुझे देखा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा राजा पोता आ गया। मेरे पापा ने सारा बैग वगैरह जो भी था वो गाड़ी की डिक्की से निकाल कर घर के अंदर रख दिया। मुझे कुछ करने के लिए नहीं मिल रहा था वहां पर, तो मैंने टीवी का रिमोट उठाया और टीवी ऑन करके टीवी देखने लगा। और जब मेरे पापा ने मुझे टीवी देखते हुए देखा, तब उन्होंने कहा, ये क्या कर रहा है, घर पर भी तो टीवी ही देखता रहता है, यहां पर भी चैन नहीं है। और फिर मेरी जो दादी जी थी, उन्होंने कहा, तो क्या हो गया, टीवी देख रहा है तो देखने दे। मेरे पापा ने फिर दादी जी से कहा, अरे माँ आपको पता नहीं है, ये घर पर भी दिन भर टीवी देखता रहता है, ऐसे इसकी जो बॉडी है वो खराब हो जाएगी, आलसी हो जाएगा, ये कुछ बाहर की एक्टिविटी नहीं करता, बस घर पर पड़ा पड़ा टीवी देखता रहता है। और फिर दादी जी ने कहा, तो बेचारा क्या करेगा इतनी सी उम्र में, पढ़ाई तो ठीक तरह से करता है ना। और फिर मेरे पापा ने कहा, अरे माँ पढ़ाई तो अपनी जगह है, लेकिन शरीर भी तो कुछ होता है ना, अगर ये एक्टिविटी नहीं करेगा, चीज़ों को जो जो नई नई एक्टिविटीज़ है उन्हें नहीं सीखेगा तो कैसे काम चलेगा। मुझे बचपन में देखा था, मैं कभी भी घर में शांति से नहीं बैठता था, कुछ ना कुछ करता रहता था। कभी जंगल में पापा के साथ चला गया, उनके साथ शिकार पर भी जाता था, उनकी मदद करता था। और एक ये है, घर पर पड़ा पड़ा बस टीवी देखता रहेगा। और मैं ये सब सुन रहा था, तभी वहीं दूसरी तरफ मेरी जो मम्मी बैठी हुई थी, उन्होंने कहा, माँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है, बस घर पे बैठे बैठे टीवी देखता है और किसी चीज़ का से ध्यान नहीं रहता। तभी वहाँ एक कमरे का दरवाज़ा खुला और अंदर से मेरे दादाजी निकल कर आए। जैसे ही मेरे पापा ने दादाजी को देखा, तब उन्होंने कहा, प्रणाम बाबूजी। ये कहकर उन्होंने दादाजी के पैर छुए और मम्मी ने भी दादाजी के पैर छुए। मेरे दादाजी मेरी तरफ देखने लगे और फिर मैं मुस्कुराते हुए उनके पैर छूने जा ही रहा था, तभी उन्होंने मुझे गोदी में उठा लिया और मुझसे पूछने लगे, अरे कैसा है तू? हाँ, सिर्फ फोटो में ही देखा था अभी तक, हकीकत में भी बहुत ज़्यादा प्यारा है तू, और होगा भी क्यों नहीं, मेरा पोता जो है। घर के सारे लोग हंसने लगे और फिर मेरे पापा ने कहा, अरे पिताजी आपको पता नहीं है ये कैसा है, मैं जानता हूँ इसे अच्छी तरह से, सिर्फ दिन भर टीवी देखता रहेगा और अगर कुछ टाइम मिलेगा तब घर में जो सामान होगा उसे तोड़ता रहेगा या फिर स्मार्टफोन ले लेगा और उसी में गेम खेलता रहेगा, बताओ ऐसे कट रहा है इसका बचपन। और एक मैं था, आपके साथ शिकार पर जाता था, आपकी कितनी मदद करता था, कभी भी ऐसे फालतू चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करता था। और फिर मेरे दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, सही बात है, बहुत मेहनती था ये बचपन में, जब मेरे साथ शिकार पर जाता था और किसी छोटे मोटे जानवर की भी आवाज़ सुन लेता था तब मेरे पीछे छुप जाता था, इतना ज़्यादा बहादुर था ये। रास्ते में चल चल के इसके पैर दुखने लगते थे और फिर मुझे इसे पीठ पर बैठाकर घर लेकर आना पड़ता था। मेरे पोते को बुरा भला कह रहा,
और खुद की आदतें नहीं देखता तू। और फिर मेरे पापा ने कहा, अरे पिताजी अब तो उसकी साइड ले रहे। और फिर दादाजी ने कहा, तो क्या हुआ, मेरा पोता है, देखना ये बड़े होकर बहुत नाम रोशन करेगा मेरा, तू तो गधा है, किसी काम का नहीं, चल अब चुपचाप से बैठ जा वहां पर। मेरे पिताजी मुंह बनाकर वहीं एक सोफे पर बैठ गए और मेरी जो मम्मी थी उनसे हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी और वो थोड़ा बहुत हंस रही थी और दादी जी भी मुस्कुरा रही थी। थोड़ी ही देर बाद मेरे दादाजी कपड़े पहनने लगे और फिर मेरी दादी जी ने पूछा, क्या हुआ, आप कहाँ पर जा रहे हैं? जिसके जवाब में मेरे दादाजी ने कहा, बहुत दिन हो गए हैं शिकार नहीं किया, सोच रहा हूँ जाकर जंगलों में कुछ दिन शिकार करूँ। और फिर उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बेटा चलोगे? तभी मेरी दादी जी ने टोकते हुए कहा, अरे पागल हो क्या, बच्चे को क्यों लेकर जा रहे हो? अगर कोई जंगली शेर वगैरह या फिर कोई खतरनाक जानवर मिल गया तब क्या करोगे? जिसके जवाब में मेरे दादाजी ने कहा, अरे तुम बेवकूफ हो क्या, क्या मुझे इतनी अकल नहीं है, मैं किसी खतरनाक जंगल में नहीं जा रहा, मैं यहीं पर पास वाले जंगल में जा रहा हूँ, वहां पर कोई भी खतरनाक जानवर नहीं है, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो तुम तो मेरा बैकग्राउंड जानती ही हो, कितने कितने खतरनाक जानवरों को मैंने मौत के घाट उतारा है, और अपने पोते के लिए तो मैं बड़े से बड़े जानवर को मार के रहूंगा। मेरे दादाजी ने एक बंदूक उठाई और उस बंदूक को देखकर मुझे एकदम बॉलीवुड मूवी जैसा फील हो रहा था। मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। मैंने अपने दादाजी से कहा, दादाजी क्या आप मुझे भी ले चलेंगे? और फिर मेरे दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चलो अगर तुम्हारा मन है तो, बस थोड़ा ध्यान रखना, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मैंने हाँ में सर हिलाया और फिर मेरे दादाजी ने कहा, ठीक है फिर कपड़े पहन लो, तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। वही मेरे पापा ने सोफे पर बैठे बैठे ही कहा, अब इसे पता चलेगा असलियत कैसी होती है, हकीकत की जो जिंदगी है वो कितनी मुश्किल होती है, अब जा रहा है ना शिकार पर। तभी मेरे दादाजी ने कहा, अरे चल चल अवे, तू तो बेवकूफ है, किसी काम का नहीं है, गधा कहीं का। मेरे पापा फिर से चुप हो गए। थोड़ी ही देर बाद मैं कपड़े पहनकर रेडी हुआ और मेरे दादाजी ने अपनी कार निकाली और रेडी होकर मैं कार के अंदर बैठ गया। दादाजी ड्राइव करते हुए मुझे एक जंगल के पास ले गए और वो जंगल दिखने में तो घना था लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा था क्योंकि मेरे दादाजी ने पहले ही मुझे बताया था कि उस जंगल में कोई खतरनाक जानवर नहीं है, लेकिन फिर भी वो जंगल घना था। मेरे दादाजी ने उस जंगल के सामने गाड़ी को रोका और मुझे कहा, बेटा उतरो हम आ गए हैं। जैसे ही मैं उतरा मेरे दादाजी ने मुझे एक बैग पकड़ाया और कहा, ये टांग लो, इसमें काफी जरूरी चीजें हैं। हाँ, मैंने उस बैग को टांग लिया और मेरे दादाजी ने अपने कंधे पर भी एक बैग को टांग लिया और उस बैग में काफी जरूरी सामान था। मैं और मेरे दादाजी उस जंगल के अंदर चले गए। जब मैंने उस जंगल में पहला कदम रखा तब वहां का जो नजारा था वो देखने लायक था। वो जंगल काफी ज्यादा हरा भरा और खूबसूरत था। मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, तो लो देखो कैसा लग रहा है ये जंगल। और मैंने अपने दादाजी से कहा, बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। हम दोनों आगे बढ़ गए। हम उस जंगल में घूम ही रहे थे तभी अचानक से मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, चुप करो, अभी कुछ है, क्या तुमने कोई आवाज सुनी? मैंने ना में सर हिलाया और मेरे दादाजी ने मुझे छुपने के लिए कहा। मैं और वो एक झाड़ी में छुप गए और मेरे दादाजी ने कहा, अब चुपचाप देखो। तभी वहां पर एक जानवर आया और मेरे दादाजी ने उसकी तरफ गन को पॉइंट कर दिया और उसके बाद मेरे दादा ने कहा, अपने कान बंद कर लो। मैंने अपने कानों में उंगलियां डाल ली और फिर
मेरे दादा ने जो है वो फायर किया और गोली सीधा उस जानवर को लगी और वो जमीन पर गिर गया। मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, देखा कितना अच्छा शिकारी हूं मैं, एक ही शॉट में शिकार कर लिया मैंने। मैंने अपने दादाजी से कहा, हाँ बहुत कूल है, आपने एकदम मूवीज की तरह शिकार किया। वैसे आपको पता कैसे चला कि वो जानवर जो है वो आ रहा है? तभी मेरे दादाजी ने कहा, बेटा मुझे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है जंगल में कैसे सरवाइव करना है और कैसे शिकार करना है, मुझे काफ़ी अच्छे से आता है। उन्होंने मुझे जो अपना बैग था वो पकड़ाया और कहा, ये लो ये बैग थोड़ा पकड़ो और मेरे पीछे पीछे चलो, इसे हम गाड़ी की डिक्की में रख लेते हैं, ये जो शिकार है इसे हम गाड़ी की डिक्की में रख देते हैं और फिर घर चलते हैं। जिसके बाद मैंने अपने दादाजी से कहा, दादाजी लेकिन हम घर जाकर करेंगे क्या, बोर हो जाऊंगा मैं तो, और मेरे पापा भी तो यही कहते हैं कि मैं बस दिन भर टीवी देखता रहता हूं, क्यों ना हम रात को इसी जंगल में रुके और आपके साथ, इससे अच्छी जगह क्या होगी वक्त बिताने की, और आपने कहा भी था कि यहाँ पर कोई खतरनाक जानवर नहीं है तो हम आराम से यहाँ पर टेंट लगाकर रात गुजार सकते हैं। जिसके जवाब में मेरे दादाजी ने कहा, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, चलो ठीक है तुम्हारी बात मान लेते हैं, आज रात हम इसी जंगल में रुकेंगे, चलो पहले ये जो शिकार है इसे गाड़ी में रखकर आते हैं। मैंने अपने दादाजी का बैग उठाया, वो बैग थोड़ा भारी था लेकिन कोई बात नहीं, जैसे तैसे मैंने उसे उठा लिया और मैं अपने दादाजी के पीछे पीछे चलने लगा। मेरे दादाजी थोड़े बूढ़े ज़रूर हो गए थे लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे, उन्होंने अपने कंधे पर उस पूरे शिकार को उठा लिया जो कि काफ़ी भारी भरकम था। वो आगे आगे चल रहे थे और मैं पीछे पीछे चल रहा था। मैं और मेरे दादाजी जंगल के बाहर पहुंचे और अपनी गाड़ी की डिक्की खोलकर उसमें शिकार रख रहे थे। तभी वहां पर एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी और उन्होंने मेरे दादाजी को देखते हुए कहा, हे मिस्टर माइकल कैसे हैं आप? मेरे दादाजी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो पुलिस वाला जो था वो मेरे दादाजी का दोस्त था, और मेरे दादाजी ने भी कहा, और स्मिथ मैं ठीक हूं, तुम बताओ कैसे हो? वो दोनों आपस में बात करने लगे। तभी उस पुलिस वाले ने कहा, क्या तुम शिकार करने के लिए आए हो? और फिर मेरे दादाजी ने कहा, हाँ मेरा पोता जो है वो छुट्टियां मनाने के लिए मेरे पास आया है और मैंने सोचा कि शहर में तो बच्चे जो हैं वो बस टीवी मोबाइल यही सब देखते रहते हैं, तो कुछ बाहर की एक्टिविटीज़ भी करनी ज़रूरी है ताकि हेल्थ जो है वो थोड़ी सुधरे, वरना बैठे बैठे इंसान आलसी हो जाता है। और फिर मेरे दादाजी के दोस्त ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरा बेटा भी दिन भर सिर्फ टीवी देखता रहता, वो तो मुझे टाइम नहीं मिलता, वरना मैं भी उसे बाहर की एक्टिविटी करवाता, लेकिन यहाँ रात में मत रुकना। और फिर मेरे दादाजी ने पूछा, क्यों क्या हो गया? और फिर उस पुलिस वाले ने बताया, एक्चुअली मुझे काफ़ी केसेस मिल रहे हैं, यहाँ से रात के वक्त 3 लोग गायब हो चुके हैं और वो कहाँ गए किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं है, काफ़ी सर्चिंग वगैरह चली लेकिन कुछ पता नहीं चला, तो रात के वक्त यहाँ पर कोई खतरा घूमता है, तो मैं यही कहूँगा कि रात के वक्त यहाँ पर रुकना मत, घर चले जाना अंधेरा होने से पहले। और फिर मेरे दादाजी ने कहा, ओ कम ऑन, मैं इतने सालों से यहाँ पर शिकार कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ यहाँ पर अजीब नहीं दिखा, बस हाँ एक रात मुझे कुछ अजीब सा दिखा था, बट कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मेरे पोते ने मुझसे कहा है और मैं उसकी जो विश है उसे अधूरी नहीं छोड़ सकता, एक ही रात की बात है और गन भी मेरे पास है, तो फिर कोई खतरे वाली बात तो मुझे लग नहीं रही है, बाकी तुम मेरे दोस्त तो हो ही, अगर कोई बड़ा इशू हुआ तो मैं कॉल कर दूंगा, तुम बस भागते हुए आ जाना। और फिर उस पुलिस वाले ने कहा, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है, लेकिन
हाँ, मेरी सलाह अगर तुम मान लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। बाय द वे, तुम मुझे कभी भी कॉल कर देना, मैं फटाक से आ जाऊँगा। ये कहकर वो पुलिस वाला जो था वो गाड़ी में बैठ गया और वहाँ से निकल गया। मैंने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी ये पुलिस वाला क्या कह रहा था, मतलब रात को खतरा? और फिर मेरे दादाजी ने बताया, अरे कुछ नहीं बेटा, अब यहाँ पर जो है वो नौ सिखे लोग आ जाते हैं रात के वक्त, और जंगल काफ़ी घना है जिसकी वजह से वो भटक जाते हैं और फिर भटक भटक के पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। उसके बाद बाद में मिलते नहीं हैं और फिर पुलिस परेशान होती है। अगर आप नौ सीखे हैं, आपको नॉलेज नहीं है जंगल के बारे में, तो आप क्यों आते हैं? यहाँ पर कोई खतरनाक जानवर भी नहीं है जो आपको हंट कर लेगा। तो वही है, आसपास अगर खोए होंगे और हमें मिल जाएंगे तो हम उन्हें रास्ता बता देंगे, उन्हें जंगल के बाहर तक छोड़ आएंगे। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। धीरे धीरे वक्त बीता और रात हो गई। अंधेरा होने से पहले मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, अरे सुनो, चलो टेंट लगाते हैं। और फिर मैंने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी मुझे तो आता नहीं है, कैसे लगता है ये टेंट? जिसके जवाब में मेरे दादाजी ने हंसते हुए कहा, अरे हाँ, मतलब तुम मुझे देखना टेंट लगाते हुए और मैं तुम्हें सिखा दूंगा, जैसा जैसा मैं बताऊं वैसा वैसा फॉलो करना। मेरे दादाजी मुझे बताने लगे और मैं देखने लगा। टेंट लगने के बाद मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, तो देखा तुमने, ऐसे लगाया जाता है। कभी भी आप आउटडोर में कहीं पिकनिक बनाने के लिए कहीं भी गए जहां पर आपको टेंट लगाना है, तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। और फिर मैंने अपने दादाजी से कहा, ठीक है दादाजी, मैं समझ गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप एक ग्रेट पर्सन हैं, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि आप मेरे दादाजी हैं, आपसे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ और मैं जितना हो सकेगा आपसे उतनी चीज़ें सीख लूँगा। और मेरे दादाजी हंसने लगे और मेरे दादाजी ने कहा, चलो अब रात हो गई है, खाने का इंतज़ाम करते हैं। और फिर मैं और मेरे दादाजी मिलकर खाना बनाने की तैयारी करने लगे। वहीं हमने टेंट के बाहर एक बॉनफायर किया और खाना पकाने लगे। काफ़ी मेहनत के बाद खाना जो है वो तैयार हुआ और मैं और मेरे दादाजी बातें करते हुए खाना खा रहे थे। मेरे दादाजी ने मुझसे पूछा, कैसा लग रहा है खाना? और फिर मैंने जवाब दिया, दादाजी बहुत स्वादिष्ट है, लग ही नहीं रहा कि हमने जंगल में बैठ कर इसे बनाया, ऐसा लग रहा जैसे किसी 5-स्टार होटल का खाना। मेरे दादाजी हंसने लगे और उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ मुझे काफ़ी अच्छी कुकिंग आती है, खासकर जब मैं फॉरेस्ट में हूँ, जंगल से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार है। यहाँ पर शिकार करना, जंगलों में शिकार करना और ऐसे बैठकर खाना मुझे काफ़ी पसंद है। मैं और मेरे दादाजी एक दूसरे से बातें करते रहे और बातें करते करते काफ़ी ज़्यादा रात हो गई। और फिर मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, चलो अब हमें सो जाना चाहिए क्योंकि सुबह हमें घर भी जाना, तो चलो टेंट में चलते हैं। मैं और मेरे दादाजी टेंट में आ गए और मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, चलो अब सो जाओ। मैं चल चल के काफ़ी ज़्यादा थक गया था और मुझे नींद भी आ रही थी, इसलिए मैं जैसे ही लेटा 5 मिनट में मुझे नींद आ गई और मैं सो भी गया। मुझे कुछ ही घंटे हुए थे सोए हुए, लेकिन मेरी आंख जब खुली तब मैंने देखा मेरे दादाजी टेंट की चैन को हल्का सा खोलकर टेंट के बाहर कुछ देख रहे थे। मैं अपने दादाजी के पास गया और मैंने अपने दादाजी से कहा, क्या हुआ दादाजी, आप क्या देख रहे हैं? तभी उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया और कहा, चुप रहो, अभी खतरा है। मैं काफी ज्यादा डर गया। मेरे दादाजी ने तुरंत बंदूक को जो है वो लोड करना शुरू कर दिया और उसी वक्त मैंने भी बाहर देखा, तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी हालत जो है वो खराब हो गई। मैंने देखा कि वहां वो जो हमने बॉन फायर किया था उसके आसपास एक खूंखार सा दिखने वाला आदमखोर वेंडिगो घूम रहा था। उसको देखते ही मेरा जो दिल था वो मानो धड़कना बंद कर दिया था। मेरे दादाजी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे खींचा
और उन्होंने बंदूक की नली को टेंट की उस चैन से बाहर निकाला और निशाना लगाने लगे। और उन्होंने जो गोली थी वो किसी और डायरेक्शन में फायर कर दी। मुझे समझ नहीं आया क्योंकि वो वेंडिगो किसी और साइड था, तो मेरे दादाजी ने दूसरी साइड पे फायर क्यों किया? तभी मैंने देखा वो आदमखोर वेंडिगो पागलों की तरह उस डायरेक्शन में भागा जहां गोली चली थी। जिस डायरेक्शन में मेरे दादाजी ने फायर किया था वो वहां पर भागने लगा। तभी मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, चलो यहां से हमें निकलना होगा इससे पहले वो यहां पर वापस आ जाए। मैं और मेरे दादाजी वहां टेंट से बाहर निकले और मेरे दादाजी ने वो जो बॉन फायर था उसमें से दो लकड़ियां जो कि काफी मोटी और बड़ी थी उन्हें उठा लिया और मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, मेरे पीछे पीछे आओ। उस वेंडिगो को देखकर मेरी हालत पहले से ही खराब हो गई थी। मेरे दादाजी आगे आगे काफी तेजी से भाग रहे थे और मैं भी उनका पीछा कर रहा था। तभी मैंने वहां पर एक डरावनी सी चीख सुनी और वो चीख किसी भी इंसान या फिर जानवर की नहीं लग रही थी। मैं और मेरे दादाजी उस जंगल से भागते हुए निकल ही रहे थे, तभी मेरी नजर वहां एक पेड़ पर पड़ी और मैंने देखा कि उस पेड़ पर एक लाश लटकी हुई थी। और सबसे डरावने वाली बात तो ये है कि वो जो लाश थी, उस लाश की जो मुंडी थी वो गायब थी और उसके शरीर पर जो मांस था वो भी काफ़ी ज़्यादा कम था, सिर्फ हड्डियाँ हड्डियाँ दिख रही थी। और उसे देखने के बाद मेरा जो खौफ था वो सातवें आसमान पर पहुँच गया था। मेरे दादाजी ने मुझे कहा, अभी अभी रुकने का वक्त नहीं है, बस भागते रहो। मैं अपने दादाजी के पीछे पीछे भागता रहा, मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा कम थी, मैं काफ़ी ज़्यादा थक रहा था, लेकिन मुझे भी पता था अगर मैं रुका तो काफ़ी ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी, इसलिए मैं जैसे तैसे अपने दादाजी का पीछा करते हुए भाग रहा था। मेरे दादाजी ने तभी अपना जो फ़ोन था वो निकाला और एक खुले एरिया में पहुंचे। उन्होंने अपना फ़ोन देखते हुए कहा, आ जा आ जा आ जा आ जा, नेटवर्क्स 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 आ जा। अरे अरे कहाँ है? तभी एक जगह पर उन्हें नेटवर्क्स मिल गए और मेरे दादाजी ने तुरंत अपने दोस्त को जो कि पुलिस वाले थे उन्हें कॉल किया और उन्होंने कहा, हेलो 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 हेलो, तुम सही कह रहे थे, यहाँ बहुत बड़ा खतरा है, यहाँ एक मैंने एक आदमखोर वेंडिगो को देखा और मेरी जान को खतरा है, मैं और मेरा पोता भी जंगल में ही है, यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तुम फटाक से गाड़ी लेकर बाहर आ जाओ जंगल की। ये कहकर मेरे दादाजी ने फ़ोन काट दिया और फिर मैं और मेरे दादाजी फिर से उस जंगल से निकलने के लिए भागने लगे। उस जंगल के अंदर से काफ़ी डरावनी चीखें सुनाई दे रही थी और वो चीखें किसी आम जानवर या किसी इंसान की तो नहीं थी। मैंने भागते हुए ही अपने दादाजी से पूछा, दादाजी ये डरावनी सी चीखें किसकी है? जिसके जवाब में मेरे दादाजी ने कहा, बेटा अभी कुछ पूछने का टाइम नहीं है, बस भागते रहो। जैसे तैसे मैं और मेरे दादाजी उस जंगल से बाहर निकले और उसके बाद जो हमने देखा उसे देखने के बाद हम काफ़ी ज़्यादा डर गए। हमने देखा जो हमारी कार थी उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तभी मेरे दादाजी ने कहा, हर्ष मुझे पता लग गया था कि वो आदमखोर मांस के चक्कर में मेरी गाड़ी को तोड़ फोड़ देगा, अब जल्दी से बस वो पुलिस वाला आ जाए। उस आदमखोर वेंडिगो ने गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया था। मैं और मेरे दादाजी उस पुलिस वाले का इंतज़ार कर रहे थे। वो जो वक्त था, वो जो इंतज़ार था, एक एक सेकंड, एक एक साल के बराबर लग रहा था। और ऊपर से उस जंगल में से उसी आदमखोर वेंडिगो की चिल्लाने की आवाज़ बार बार आ रही थी जो कि हमारे खौफ को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। मैंने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी आपके पास तो बंदूक है ना, तो आपने उस आदमखोर को क्यों शूट नहीं किया? और फिर मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, बेटा उन आदमखोरों को मारा नहीं जा सकता, मैंने उन्हें पहले भी देखा है, लेकिन
मुझे नहीं पता था कि वो इस जंगल में भी आ जाएंगे। मैंने खतरनाक खतरनाक जंगलों में उन्हें देखा। कई बार मैं उनसे बचा हूं, उन पर गोलियों का बिल्कुल भी असर नहीं होता। वो आदमखोर होते, मांस के इतने भूखे होते हैं कि वो इंसानी मांस के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्हें मार पाना इंसानों की बस की बात नहीं है। उनसे जैसे तैसे अपनी जान बचा लेना ही समझदारी है। मेरे दादाजी मुझे ये सब बात बता ही रहे थे, तभी मेरे दादाजी का जो दोस्त था वो वहां पर आ गया। उसने गाड़ी को रोका और तुरंत गाड़ी के जो दरवाजे थे उन्हें खोल दिया। मैं और मेरे दादाजी तुरंत गाड़ी के अंदर बैठ गए। और जैसे ही मैं और मेरे दादाजी गाड़ी के अंदर बैठे, तब उस पुलिस वाले ने पूछा, क्या आप दोनों ठीक तो हैं? तभी मेरे दादाजी ने हाँ कहा और उसी जंगल में से उसी आदमखोर की चिल्लाने की आवाज आई। उस पुलिस वाले ने गाड़ी को काफी तेजी से वहां से निकाला और फिर उन्होंने पूछा, मैं तो काफी ज्यादा डर गया था। मुझे लग रहा था कि अगर मैं सही टाइम पर नहीं पहुंचूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बहुत तेजी से गाड़ी को लेकर आया हूं। और फिर मेरे दादाजी ने कहा, मैंने उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किसी और साइड पर गोली चला दी। उसे लगा कि वहां पर कोई है और वो उस डायरेक्शन में चला गया। बस इसी फैसले ने हमारी जान बचा ली, वरना अगर हम उसके सामने भागने की कोशिश करते तब हमारा मरना पक्का था। अब समझ आया कि वो जो लोग गायब हुए हैं, हो ना हो उन्हें इस वेंडिगो ने ही मार कर खा लिया है, तभी उनका नामो निशान नहीं मिल रहा है। और फिर उस पुलिस वाले ने कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं, मुझे पहले लग रहा था कि कोई खतरनाक जंगली जानवर आ गया है इस जंगल में, लेकिन मैंने भी उसकी आवाज अभी अभी सुनी, मुझे कन्फर्म हो गया है कि वो वेंडिगो ही है। उस दिन मैं और मेरे दादाजी वहां से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बाहर निकले थे। उस दिन के बाद से उस वेंडिगो को उस जंगल में कहीं भी नहीं देखा गया, ना ही वहां से कोई गायब हुआ। कई लोग उस जंगल में वेंडिगो को देखे जाने का दावा करते हैं, लेकिन वो वेंडिगो कभी भी किसी की पकड़ में नहीं आया, क्योंकि उसे पकड़ा जा ही नहीं सकता। कहते हैं कि आज भी उसी जंगल में वो आदमखोर वेंडिगो इंसानी मांस की भूख लेकर इधर उधर घूमता रहता है और इंतजार करता है किसी इंसान का, ताकि वो अपनी भूख को मिटा सके। हाँ, तो ये थी कहानी वेंडिगो की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो ये कहानी है वो पसंद आई होगी। तो अगर आपको कहानी जो है वो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी है कमेंट करके भी बताना। नया जो चैनल बनाया है उसे भी सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से। लाइक एम रखते हैं 100 लाइक्स का। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, खाना नहीं खाया तो खाना खा लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।